सो गाइज वेलकम बैक टू न्यू वीडियो, दिस इज आयुष एंड आज अपने साथ में है ऑल न्यू KTM ड्यूक 250 और इधर है TVS की ऑल न्यू RTR अपाचे 310। तो 310 और 250 की ड्रैग रेस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि जो टॉप एंड है वो किसका ज़्यादा बेटर है, किसका ज़्यादा फास्ट है। डेफिनेटली वो थोड़े से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट के साथ में आती है और पावर की अगर बात करें तो अभी सीन ये है कि ये ज़्यादा पावरफुल है। रीज़न पता है क्या है? वो बिल्कुल ब्रांड न्यू बाइक है, उसका जो ट्रैक मोड है वो ओपन नहीं हुआ है। तो लाइक ये 27 BHP 27 Nm का टॉर्क जनरेट करके देगी अर्बन मोड के अंदर, उसको ट्रैक मोड या स्पोर्ट्स मोड में मैं डाल नहीं सकता हूँ, वो ओपन होगा फर्स्ट सर्विस के बाद में। एंड हियर ड्यूक 250 यहाँ पर 31 हॉर्स पावर पहले से ज़्यादा और 25 Nm का टॉर्क जो है वो मिलता है। सो लेट्स सी, कंपेयर करते हैं कि कौन सी बाइक जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा मतलब बेटर परफॉर्म करती है टॉप एंड में। मेरे को तो यही लगता है कि यही जो है वो ज़्यादा फास्ट जाएगी बिकॉज अभी उसका टॉप एंड जो है वो ओपन नहीं है। बट स्टिल 0 to 100 जो है वो तो देख लें कि वहाँ तक कितना कर रही है, लाइक टॉप एंड करेंगे पूरा, बट अभी ये देखना है कि 0 to 100 या 0 to 120 जो है वो कौन सी फास्ट करती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं चलाऊंगा ड्यूक 250, दीपक जो है वो चलाएगा RTR 310। चलते हैं और चलाते हैं, चलाना नहीं उड़ाते हैं। ये डोमिनार भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है बट बहुत ज्यादा पास भी नहीं है। ड्रैग रेसेस चल रही है आज तो, हाँ वही ना, वो लॉक्ड है वो सीन है। 250 तो बहुत ही तगड़ी भागती है। अभी ड्यूक 250 पीछे है, लॉन्च का खेल है और मेरा वेट भी कम है इसलिए मैं थोड़ा आगे निकल गया हूँ। सो गाइस क्लियर विनर ड्यूक 250 है। इट्स ऑल अबाउट कि आप लॉन्च कैसे कर रहे हो, बट अभी 250 है विनर। जब ये ओपन हो जाएगी ना तो ये बैंड बता देगी, और स्टिल अभी जब मैंने लॉन्च करा अच्छे से तो यार बाइक जीता के लेके आया हूँ मैं, लाइक 120 तक तो मैं ही आगे आया था। तो राइडर के वेट के ऊपर डिपेंड करता है, बाकी इनिशियली पुल जो है वो काफ़ी प्यारा है 310 का। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो क्या करना है आपको पता ही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो ये सभी सीन है और कैसी लगी बाइक नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताओ। ड्राइव सेफ, राइड सेफ़।